समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार देश की उन्नति में सबसे बड़ा बाधक है। हम सभी को समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें यह प्रण लेना चाहिए कि ना तो भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे, और सभी को इसके प्रति जागरूक बनाएंगे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि देश का सर्वोच्च भ्रष्टाचार निरोधी संस्थान है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक कर रहा है। ये प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाता है जिसमें हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। वर्ष 2021 जिसमें संपूर्ण देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जागरूकता सप्ताह भी स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता इस विषय के साथ मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न संस्थान भी विषय से संबंधित गतिविधियों का संचालन कर भ्रष्टाचार विरोधी संदेश का प्रसार करते हैं। आइए हम सब भी मिलकर आयोग द्वारा परिचालित सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लें एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की संरचना की ओर कदम बढ़ाएं। मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अतः मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगी। ना तो रिश्वत लूंगी और ना ही रिश्वत दूंगी। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी नीति से करूंगी। जनहित में कार्य करूंगा। अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगी।